वीकेंड पर बनाइए एक्सॉटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन प्लेटर। वेलकम टू प्योर कुकिंग स्टूडियो में मैं कंप्लीट चिकन प्लेटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, गार्लिक राइस है, चिकन स्टेक है, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और चिकन सॉस। तो सारी चीज़ें बनाने के लिए हम सबसे पहले प्री प्रिपरेशन करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी प्लेटर बना है, इसके लिए हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 2 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली सॉस, 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 2 टीस्पून विनेगर इसमें ऐड किया, और 2 टीस्पून फुल इसमें हम गार्लिक चॉप करके ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। पिज्ज़ा के सारे हर्ब्स एक साथ मिक्स होते हैं, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप ऑरिगेनो ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीसेस डालेंगे, बड़े बड़े जैसे कि स्टेक के होते हैं। मैंने 2 ब्रेस्ट लेके इसके 2 बड़े बड़े 3 चिकन ब्रेस्ट थे, इसके मैंने 5 पीसेस करे हैं, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और हमें इसे कम से कम 4 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, ताकि जो सारे जूसेस सारे सॉसेस हैं वो अंदर तक इसके अच्छे से लग जाएं। अब हम नींबू का रस ऐड करके साइड में रख देंगे। अब हम चिकन स्टॉक बनाएंगे चिकन सॉस के लिए। तो 200 ग्राम मैं चिकन बोन्स ऐड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और प्याज डालेंगे, नमक ऐड करेंगे और 2 ग्लास पानी में इसे इतना पकाएंगे कि सिर्फ 1 ग्लास पानी रह जाए, इससे हमें चिकन स्टॉक मिल जाएगा। चिकन स्टॉक को हम छान लेंगे, ये हड्डियाँ बोन्स फेंक दें, और अब हम ये चिकन स्टॉक बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती राइस को धोकर रखा है, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और राइस को हम जिस तरह से पकाते हैं उसी तरीके से पका लेंगे, और छानना है इसे, याद रखिए, क्योंकि हमें गार्लिक राइस बनाना है तो हमें राइस बिल्कुल खिले खिले चाहिए। तो इस तरह से छान के इसे 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ढककर, और साइड में रख देंगे ठंडे होने के लिए। तो अब सारे प्री प्रिपरेशन हो गए हैं। अब हम देखिए चावल पक गए हैं, इसे निकाल के ठंडा करेंगे। सारे प्री प्रिपरेशन हो गए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे सारा प्रोसेस प्लेटर बनाने का। तो देखिए पैन मैंने गरम किया है, इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। ये जो एक्जॉटिक रेसिपीज होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया जाता। इसमें मैंने 2 कैप्सिकम, 1 कप कैबेज और 2 कैरेट को बिल्कुल लंबा थिनली स्लाइस किया है, देख सकते हैं आप। इसे हमें फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। सौते वेजिटेबल्स है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें नमक ऐड करेंगे वेजिटेबल के हिसाब से, और रेड चिली फ्लेक 1 टीस्पून। बस बिल्कुल मिला के हम इसको साइड में रख देंगे, तरकारी का वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, इसका हमें क्रंच ऐसे ही रखना है। तो वेजिटेबल्स, सौते वेजिटेबल्स तैयार है, उसी हमने साइड में रख दिया है। उसी पैन में मैं 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और 2 टीस्पून बटर। बटर ज़रूरी है ताकि चिकन स्टेक का अच्छा सा फ्लेवर आए। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें हम फ्राई करेंगे, 2-2 पीसेस करके ही फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ग्रिलिंग इफेक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको क्राउडेड ना करें, और फुल फ्लेम पर हम इसको पलटते हुए पकाएंगे। अब आप देखेंगे कि 5 मिनट में ही ये चिकन पक जाएगा, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके बहुत देर रखा था। जैसे ही ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए हम इसको निकाल लेंगे, और देखिए ये स्टर फ्राई चिकन है तो इसे हमें फुल फ्लेम पर ही पकाना है। हर 30 सेकेंड के बाद में हम इसको पलटा लेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गोल्डन हो गया है इसके सरफेस, तो हम निकाल देंगे और बाकी के पीसेस भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। जितना सॉस इसको लगकर आ रहा है आपने उतना ही लेना है, बाकी का सॉस आप छोड़ दें। अब देखिए ये सारा चिकन मैंने इसी तरीके से फ्लिप करते हुए पका लिया है, अब ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गया है, देख सकते हैं आप। तो हमारे चिकन स्टिक्स तैयार हैं, इन्हें हम निकाल के साइड में रख देंगे चिकन स्टिक्स को। अब हम चिकन सॉस बनाएंगे। तो 2 टीस्पून बटर गरम किया है मैंने बर्तन में, और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करना है। मैदे को हमें बिल्कुल हल्का सा भूनना है, जैसे ही ये फ्लफी होने लगे, देखिए जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसके सॉसेस थोड़े बच गए हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में सॉसेस को, और क्योंकि सॉस ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो और मसाला लगेगा, तो मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। और स्टोव की फ्लेम अभी कम है क्योंकि हमने मैदे में ये सॉसेस को मिक्स करना है अच्छे से।
अब देखिए जो हमने आपको चिकन स्टॉक हमने जो पहले बना के रखा था, मैंने आपको बताया हड्डियों का, वो वाला स्टॉक हमने इसमें ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इस तरह से हमने विस्कर की मदद से मिक्स करते जाना है और सारा सॉस हमने इसमें ऐड कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी चिकन सॉस तैयार होता है। सॉल्ट इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही ऐड करेंगे क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है और चिकन में मैंने नमक इसीलिए नहीं ऐड किया क्योंकि सॉसेस में बहुत सारा नमक होता है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा इसे चख लें। अब देखिए सॉस को हमने अच्छे से पका लिया है, बॉईल ला लिया है, हमें इसे इतना ही पकाना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में गाढ़ा हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे आएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसमें ड्राई पार्सले ऐड करेंगे, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप जो पिज़्ज़ा सॉस सीजनिंग होती है वो थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉस तैयार है तो इसे भी साइड में रख देंगे। अब सारी चीज़ें तैयार है तो गार्लिक राइस बनाएंगे। एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ग्रीन चिली चॉप, 1 टीस्पून 2 टीस्पून गार्लिक चॉप, क्योंकि गार्लिक राइस है तो इसमें प्रोमिनेंट फ्लेवर गार्लिक का दिखेगा। अब इसमें 1 कैप्सिकम ऐड करेंगे, हल्का सा ही भूनना है हमको, और ड्राई पार्सले भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब जो हमने राइस बना के रखा था वो आधा राइस मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि दो बार करके मैंने इसे स्टर फ्राई किया है राइस को। 1 टीस्पून पेपर पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आपको ये थोड़ा सा फ्राई लगने लगे स्टर फ्राई राइस तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप एग्जॉटिक फ्लेवर्स का बहुत ही अच्छा प्लेटर हमारा तैयार हो गया है। सारी चीज़ों को हम असेंबल करेंगे। तो ये रहा गार्लिक राइस चिकन स्टेक जो हमने बनाकर रखा है। याद रखिए आपने इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें हम स्टर फ्राई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और जो हमने सॉस बनाकर रखा है वो भी ऐड कर देंगे। वो गर्मा गर्म इसे सर्व करना है, ठंडा नहीं करना है। सारी चीज़ों को फटाफट बनाना है सारे प्रिपरेशन करके। तो आपको अगर ये मेरी एग्जॉटिक सी टेस्टी सी हटके रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए अगर अभी अब तक आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी मेरी रेसिपी आप फॉलो करके बनाते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे।